यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है पोर्सन ऑफ सॉलिड सिलेंडर एक्स स्क्स टू और ये बाउंडेड है जेड एक बाउंडेड और बाउंडेड ब्लू है एक्स वाई प्लेन से अब यहाँ पर अगर हम इसका सिलेंडरकल नेचर देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा सिलेंडर और ये होगा इसका अपर सरफेस वॉल्यूम हमें निकालना है तो यानी कि जेड डी ए ये फाइंड आउट करना होगा और ये है हमारे पास जो सरफेस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू टू ये हमारा सरफेस हो गया है अब यहाँ पर अगर हम जेड की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये क्या मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई जब भी आपको इंटीग्रेन फंक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर पियर होता है वहां पर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में उसको चेंज कर दीजिए तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें इसको चेंज करना है तो हमें सब्सटीट्यूशन यूज करना होगा एक्स इक्वल्स टू आर थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा यहाँ पर जो आर का वैल्यू है वो रूट टू रहेगा क्योंकि इस सिलेंडर का रेडियस रूट टू है और थीटा जीरो से टू पाई रहेगा जीरो टू टू पाई अब हमें इसकी लिमिट पता है तो एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर लेते हैं आर एंड थीटा तो जो थीटा की लिमिट है वो जीरो से टू पाई और आर की जो लिमिट है वो जीरो से रूट टू आर स्क्वायर और इसका जोकोवियन आर डी आर डी थीटा इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा आर क्यू डी आर डी थीटा आर की लिमिट है जीरो से रूट टू और थीटा की जीरो से टू पाई क्योंकि आर और थीटा यहाँ पर एक तरह से इंडिपेंडेंट है तो ये आर का इंटीग्रेशन आएगा आर इज द पावर फोर अपॉन फोर और इसकी जो लिमिट है जीरो से रूट टू और थीटा की रहेगी जीरो से टू पाई यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो थीटा है वो आ जाएगा आपका टू पाई और यहां से इसका मिलेगा फोर अपॉन फोर फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनली आपको टू पाई मिलेगा और टू पाई हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट होगा